नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र दर्शन विंद यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आज मैं आ पहुंचा हूं जल प्रपातों की धरती रीवा, जिसमें मुख्य रूप से 5 वाटरफॉल्स हैं, जिसमें चचाई, पुरवा, क्योटी, टोंस और बहुती। उन्हीं जल प्रपातों की श्रृंखला में से एक है चचाई जलप्रपात। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं चचाई जलप्रपात का सुंदर नज़ारा, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये है सिरमौर सिमरिया मुख्य मार्ग, जिस पर हम अभी खड़े हुए हैं, और यहीं पर से कुछ दूरी पर है चचाई वाटरफॉल। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं चचाई जलप्रपात और दिखाते हैं आपको वहां का सुंदर नज़ारा। दोस्तों, सामने है यह विश्राम गृह, जो कि चचाई वाटरफॉल के निकट ही स्थित है, और यहाँ कुछ पर्यटक सुंदर नज़ारा देखकर वापस होते हुए, और ये पार्किंग स्थल है। दोस्तों, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रवाहित होने वाली बीहड़ नदी में है, और यह बीहड़ नदी सतना जिले के अमरपाटन तहसील के खरमखेड़ा नामक ग्राम से निकलती है और रीवा जिले के सिमरिया सिरमौर तहसील के चचाई ग्राम के निकट एक बड़े जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है चचाई जलप्रपात। और यह मध्य प्रदेश के गोलाकार जलप्रपातों में से एक है, इसलिए इसे सुंदर होने के कारण भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी प्रसिद्धि का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका सुंदर नज़ारा देखने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं यहां आए थे और इसके दर्शन कर वो अभिभूत हो गए थे। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि चचाई जलप्रपात के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हिंदी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकार विद्यानिवास मिश्र ने रुपहला धुआं में इसके सौंदर्य का चित्रण किया है। तो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं चचाई जलप्रपात और आपको हम शीघ्र ही दिखाने वाले हैं उसका सुंदर नज़ारा और ऊपर उड़ते हुए फुहारों का सुंदर दृश्य। दोस्तों, यहाँ घूमने वाले सभी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा सावधानियाँ बरतने की सूचना लिखी गई है। झरने के आसपास घूमना सख्त मना है। वाह दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चचाई जलप्रपात का खूबसूरत दृश्य। इसकी खूबसूरती को हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, आप खुद ही इसका सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। कितना मनमोहक दृश्य चचाई जलप्रपात का। दोस्तों, हम महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ फुहारें हम तक पहुंच रही हैं, और ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ देर तक यहाँ खड़े रहे तो अवश्य हम भींग जाएंगे। और चट्टानें भी बहुत ही खूबसूरत हैं,
आप देख सकते हैं ऐसे लगता है जैसे इनमें कटिंग की गई है। और कुंड के आगे यह जल जाकर आगे तमस नदी में मिल जाता है। तो ये है लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का विश्राम गृह। हमारे सारथी हमारे वीडियो में हर वीडियो में साथ रहने वाले बजरंगबली के दर्शन भी आप कर पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, बनारस, सोनभद्र आदि स्थानों से पर्यटक यहाँ भारी मात्रा में पहुँचते रहते हैं। दोस्तों ये धुआं बनकर ऊपर की ओर उठ रहा है जो बहुत ही सुंदर और सुखद लग रहा है। दोस्तों ये है कुंड के बाहर का सुंदर नज़ारा। कुंड का जल उत्तर दिशा की ओर जाता हुआ और आगे चल कर यह तमस नदी में मिल जाता है। और वृक्षों की और वनस्पतियों के सुंदर नज़ारे पर्यटकों का बस ही ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप भी आनंद ले सकते हैं यहाँ के सुंदर नज़ारे का। यदि आप आना चाहते हैं चचाई जलप्रपात घूमने तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और जल की मात्रा भी इस समय अच्छी है तो दृश्य बढ़िया निकल कर आ रहा है। और हम चाहेंगे कि आप भी आएं और अपने परिवार के साथ यहां सुखद दृश्य का आनंद लें। दोस्तों यहां पर से और बेहतरीन नज़ारा चचाई जलप्रपात का आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एक विशाल जल राशि एक साथ किस तरह कुंड में दिखती है और गिरती हुई सुंदर। और ये देख सकते हैं आप धुएं के रूप में आसमान की ओर उड़ता हुआ धुआं। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल पवित्र दर्शन बिंदु को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।